नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर ब्लॉगर ऑफ इंडिया में। और ये हमारा डे वन है और मुन्नार हम आ चुके हैं। तो मुन्नार का मैंने सोच रहा था, अभी जस्ट स्टेशन से पहुंच रहा था तो रास्ते में मुझे एक वाटरफॉल दिखा, जो तिकट वाटरफॉल जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। तो सोचा कि पहले आपको यही दिखा देता हूँ, रास्ते में डे वन में ये कवर भी हो जाएगा। तो ये मुन्नार जाने वक्त जब रास्ते में पड़ेगा, तो मुन्नार से आपको लगभग लगभग 12 किलोमीटर पहले ये तिकट वाटरफॉल पड़ता है। काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। तो मैं फरवरी के महीने में गया था तो पानी का उतना फ्लो नहीं था क्योंकि अभी रेनी सीज़न था नहीं, बट व्यू बहुत अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था। और मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ यहाँ ट्रैकिंग करने वाले भी लोग आ रहे थे, ऊपर से चाय बागान से होते हुए वॉक करके नीचे की ओर आ रहे थे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मतलब व्यू पानी का फिर भी उतना भी कम नहीं था, अच्छा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड से पानी आ रही है, आई थिंक डैम से ये वाटर छोड़ा जाता है और ये होते हुए आगे की ओर निकल जाता है। तो अत्तगढ़ वाटरफॉल के पास एक बेस्ट चीज़ क्या है कि उससे थोड़ा साइड, अब जब वो ब्रिज थे बेसिकली, इस ब्रिज से मैं दिखा रहा था अभी, तो उसी ब्रिज से होते हुए हम लोग अभी आगे की ओर आ गए हैं। और जैसे ही आगे आए हैं तो अभी हमको एक चाय का दुकान दिख रहा है और जहाँ से ये व्यू काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। और जो ये वाटरफॉल है एकदम सामने पड़ता है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और उसी साइड से हम अभी आए हैं ऊपर से होते हुए, उस साइड ही आपको मुन्नार का जो मेन स्टेशन पड़ता है, सीधे रोड से हम चले जाएंगे तो मुन्नार चले जाएंगे। तो अभी जस्ट उसी रास्ते से हम लोग आए हैं और आके यहाँ पे इस कैफेटेरिया बोल सकते हैं, यहाँ पे बैठ के आनंद ले रहे हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक दो होटल भी आसपास में दिखे जिसका काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, जैसे कभी आप देख पा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके लिए एक और दूर का ड्रोन व्यू दिखा दूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी इस लोकेशन के बारे में। तो देखिए मैं काफ़ी टॉप पे आ चुका हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था अपने ड्राइवर से कि मुझे एक बेस्ट व्यू दिखाइए, जो कि जनरली ये व्यू ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो ड्राइवर को पता था, ड्राइवर लेके आया, मेरे होटल से बस 200 मीटर नीचे था तो वहाँ से आ गया हूँ और वहीं से आप देख पा रहे हैं। तो काफ़ी ऊंचाई से आपको अभी व्यू दिखा रहा हूँ, उसमें जस्ट वहीं पे हम लोग खड़े थे। तो व्यू तो ऑसम बोलने के लिए मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना डेप्थ है और वो सामने चाय का बागान आपको दिख रहा होगा और ये पूरा चाय का बागान और चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। काफ़ी मुन्नार तो ब्यूटीफुल जगह है, इसमें कोई और ये बात बोलने की नहीं है, तो आप व्यू देख ही सकते हैं। तो और जो ब्रिज जिस पे मैं खड़ा था, अभी कोशिश करता हूँ ले जाने के लिए, देखो ब्रिज आपको दिख रहा है, उसी ब्रिज पे खड़ा होकर मैं बात कर पा रहा हूँ जहाँ से पानी आपको बहता हुआ दिख रहा है। और मैं अब होटल में आ गया हूँ, सोचा होटल रूम भी दिखा दूँ। होटल काफ़ी अच्छा रहा, मैं इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। काफ़ी अच्छा व्यू के साथ हमने होटल बुक किया था, चूँकि अभी पहले हम सोचे रास्ते में आ रहे थे तो ड्राइवर ने हमें एक रास्ता वो वाटरफॉल दिखा दिया और वाटरफॉल के बाद में फिर डायरेक्ट होटल आ गए। चूँकि हमारे डे वन था तो सोचा कि ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं सकते हैं क्योंकि शाम होने ही वाला था। तो रूम काफ़ी अच्छा लगा, आप देख सकते हैं, सोचा आपको रूम का भी ओवरव्यू दिखा दें चूँकि फर्स्ट डे में क्या क्या कवर हुआ। तो काफ़ी स्पेसियस बड़ा रूम था और काफ़ी व्यू का तो मतलब बात ही नहीं करते आप, क्योंकि काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी उनकी बालकनी में आपको ले जाकर दिखाऊंगा। काफ़ी उन्होंने अच्छा साफ सुथरा बेड दिया, काफ़ी रूम क्लीन साइज़ बड़ा सा बेड, और ये काफ़ी अच्छा लगा इस बेस्ट पार्ट की बालकनी, इसका अच्छा खासा बालकनी था। यहाँ पे बैठ के आप आराम से पूरा नज़ारा ले सकते हैं, जो वाटरफॉल में दिखा रहा था वो हमारे रिसॉर्ट से ही दिखता है। जैसे कि रिसॉर्ट से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ जो सामने मैं थोड़ा हल्का जूम कर पा रहा हूँ, वहाँ पर वाटरफॉल है और ये पूरा होटल का व्यू है। तो ये बेसिकली रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट से व्यू आप देख ही सकते हैं चारों बगल, ये नीचे से ऊपर आने का रास्ता है होटल का जहाँ से हम अभी आए हैं, और काफ़ी वेल कनेक्टेड है। और व्यू मेनली और सामने पार्किंग भी देख पा रहे हैं, होटल में एम्पल पार्किंग है, इसका कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली मैं एक होटल का अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये व्यू का बात करें तो व्यू देख ही सकते हैं, जस्ट बालकनी से हमको साफ साफ दिख पा रहा है पूरी ऊंची ऊंची चोटियाँ, और राइट साइड में थोड़ा बादल भी है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बादल सामने से होके पूरा गुजर रहा है। तो मैं थोड़ा देर पहले आया तो बादल सामने से गुजर रहा था जो कि अच्छा देखने में लग रहा था। और ये सामने आप दिन भर मतलब आप कहीं बाहर नहीं भी जा सकें तो आप बस बालकनी में बैठ के ही चारों बगल का नज़ारा लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए